में आज शबे बरात इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। इस बाबरकत रात में फरिश्ते और रूहुल कुदस अपने रब के हुक्म से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। ये रात सलामती वाली होती है। तुलुए फजर तक इन्हीं बाबरकतों सातों में रब्बे जुलजलाल की नेमतों रहमतों और फजल के समेटने के लिए आज शबे बरात को मनाने के लिए गुरूब आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब तक मटियारी की हर मस्जिद में इबादत का सिलसिला जारी है। रात की मुबारक रात है। इस रात में नुजूल आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला जलवा अफरोज़ होता है। और कोई बंदा है जो मुझसे बख्शिश मांगे, कोई है जो अपने की तलाश या रिज़्क़ बरकत मुझसे मांगे, कोई है अपने लिए मगफरत मांगे, हत्ता कि ये तुलुए आफ्ताब तक अल्लाह ताला का जो ये ऐलान होता रहता है। अपने बंदों के बख्शिश के लिए अल्लाह पाक ने ये मुबारक रात हमें नसीब की है। उसका नाम ही है बरात। बरात छुटकार, जहन्नम से छुटकारे वाली रात है। पूरी आज की रात है, चांदनी में डूबे डूबे हुए दो जहां जहां कौन जल जल जान मान मां। आज की रात है, मांग लो चश्मे शर मांग लो गिलो नजर मांग लो गिलो कमली वाली वाल की नगरी में घर घर मांग लो गिलो मांगने का मजा आज की रात है। खास रात को एक ख़ास अहमियत हासिल होती है। तो शबे 15 शोबान की रात को एक ख़ास अहमियत हासिल ये है कि उस दिन नामा एमाल की तब्दीली होती है और हम उस रात अपने जो गुनाह और गुनाह कबीरा और सगीरा गुनाह होते हैं उनके मगफरत के लिए अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। हमें हर रोज़ अल्लाह के बारगाह में आना चाहिए। मटियारी की हर मस्जिद में फिले सलात तस्बीह खत्म दुरूद शरीफ और अल्लाह ताला के हुजूर गुनाहों से तौबा तो आफियत आलम इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई है।